बारी शेखर बिहारी। सर वी आर रोलिंग। ऑफ कोर्स आई नो यू आर रोलिंग इवन आई एम रोलिंग विद लाफ्टर ROFL रोलिंग ऑन द फ्लोर विद लाफ्टर। एक मिनट यार हंस लेने दो, चुनाव खत्म होने को आ रहा है, पता नहीं बाद में हंसने का मौका मिले या ना मिले। बचा है बिहार में कुछ ऐसा चुनावी घवासान कि हंसते हंसते निकले जान, जब नेता दे एक दूसरे को गाली दबा के तो फिर वोटर क्यों न लगाए ठाके। मिर्चे मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। तुम हमको शैतान बोलते हो? गुजरात दंगा का तुम ब्रह्म पिशाच है। ब्रह्म पिशाच का दवा हम लोग जानते हैं, पीला सरसों अमरचाई का धुआं देखे इनको, यहाँ से हम लोग भगाएंगे नरेंद्र मोदी को। बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। घोटलबाजों का घोटलबाज है नरेंद्र मोदी। आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है। फतेंगा फटफटाता है गर्म तेल में, उस तरह से जल रहा। बिहार में इस बार होली का त्योहार दिवाली से पहले मनाया जा रहा है और वो भी पूरी तरह लोकतांत्रिक ढंग से। ऐसी होली है मित्रों कि चोटी के राष्ट्रीय नेता तक एक दूसरे के चेहरे पर गालियों के गुलाल मलते नजर आ रहे हैं। ऐसी होली है मित्रों, इस बार बिहार में नेता अपने विरोधियों को बांग्लादेश पहुंचा दे। ऐसी होली है कि लालू जी के नए नए बालिग हुए बच्चे तक पीएम की पगड़ी उछाल दे। क्या करें मित्रों भाइयों बहनों, यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र में गाली देने का सबको बराबर का हक है। आपके पास जितना कीचड़ है उछाल दो, जितनी गालियां पेंडिंग पड़ी है उपयोग कर लो। लोकतंत्र में हर इंसान बराबर होता है ये तो सुना था, लेकिन इंसान और जानवर भी बराबर होते हैं ये नहीं सुना था। तरह तरह के जीव जंतु बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले आई यूपी की गैया। अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, गैया जानवर थोड़ी ना है, वो तो हमारी माता है। तो सबसे पहले आई गैया मैया, सब नेताओं ने मिलकर खूब आरती उतारी गैया माता की और जमकर एक दूसरे पर गोबर भी फेंका। फिर बिहार आया हरियाणा से एक ठो कुतुआ, याद है ना, जो जनरल साहब भेजे थे। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, असंसदीय बात है, अनपार्लियामेंट्री। और कुतुआ के बाद बिहार के चुनाव में आया भूतुआ। लालू जी के पीछे पड़ा था हाथ धो के भूतुआ। शक एनडीए वालों पर है, लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम लोग नहीं लगवाए, नीतीश बाबू भूत लगवाए होंगे लालू जी पर अपने अघोरी बाबा से सेटिंग करके। गैया भूतुआ कुतुआ की एक एक करके इलेक्शन से विदाई हुई, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान अचानक आ गया बंदर हुआ। कहीं और नहीं, सीधे उसी बूथ पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट डालने आना था। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर। गौर से देखिए इस बंदर को, आखिर कौन है ये बंदर? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी बंदर है और इसका इरादा चुनाव में गड़बड़ी फैलाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉम्युनल कपी नहीं बल्कि सेकुलर है, करेगा कुछ नहीं सिर्फ मुंह चुराएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंकी वोटरों को सिर्फ अपने मंग की बातें सुनाने आया है, सुनाकर चला जाएगा बस। देखते हैं क्या करता है ये बंदर। अरे बाप रे बाप, वोट कटुआ नेता तो बहुत देखे थे, वोटर कटुआ बंदर आज तक नहीं देखे अपनी जिंदगी में। चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे बूथ पर, लेकिन उस टाइम तक बंदर हुआ किसी दूसरे बूथ पे गया हुआ था वोट काटने, मेरा मतलब है वोटर काटने। इसलिए बच गए बाल बाल नीतीश बाबू।
अब तो आदमी तो आदमी, अब जानवर और पशु भी उनका विरोध करने लगे। बिहार के विकास का जो सपना बिहार के लोगों ने देखा है, उस सपने को नीतीश जी ने चूर चूर किया है, उसका असर समाज के सब वर्गों पर पड़ रहा है, सभी लोगों पर पड़ रहा है। एनडीए तीसरे राउंड की बम पिलाट वोटिंग से बहुत खुश है। इसी खुशी का इजहार करने वोटिंग के दौरान सड़क पर निकल पड़े केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, और वो भी बिना हेलमेट के। रामकृपाल यादव लगभग 25 बरस तक लालू जी के राइट हैंड रहे, जब से बीजेपी में गए हैं पुराने जंगल राज को खूब गरियाते हैं, लेकिन चुनाव वाले दिन खाली रोड देख के मन कर गया तनी बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाने का, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ये गनवा गाने का मन होता है ना कभी कभी, खाली गरीबी आदमी तुरेगा कानून तो कैसे होगा, कभी कभी नेता लोग को भी तुर देना चाहिए, है नु कृपाल जी। बिहार रत्न बिहारी बाबू द वन एंड ओनली शत्रुघ्न सिन्हा अब तक ट्विटर पर बीड़ी बम फोड़ रहे थे अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन अब सिन्हा साहब चल पड़े हैं एकदम तड़तड़ा के, जो भी रेंज में आएगा वो भून दिया जाएगा। हमें तो पहले कहते रहे कि आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं, तो हमें हर तरफ से आपने रोका। आप लोग सब गवाह हैं, पहले भी कभी ना बुलाया, कभी ना निमंत्रित किया ना आमंत्रित किया, कहीं फोटो रखा, कहीं पोस्टर रखा, जिन उन सारे लोगों को बुलाते गए सैकड़ों बार जो पटना के सांसद नहीं हैं, बाहर के दूर दूर के सांसद हैं या सांसद भी नहीं हैं, उन लोगों को बुलाते गए। आप अपने बिहारी बाबू को, ओरिजिनल बिहारी बाबू को, शत्रुघ्न सिन्हा को, पटना का रिकॉर्ड मार्जिन होल्ड करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का आपने नहीं बुलाया, तो जाहिर है कि हमारे समर्थकों को, हमारे प्रशंसकों को, हमारे शुभचिंतकों को बड़ी तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है। ये गुस्सा यूं ही नहीं है, स्टार कैंपेनर बनकर प्रचार के लिए तैयार थे सिन्हा साहब, लेकिन किसी ने बुलावा तक नहीं भेजा। आन बान और शान वाले शत्रु भैया कैसे सहे ये अपमान, इसलिए अब ले रहे हैं इंतकाम। लेकिन एक बात है शत्रु भैया में, अपमान भूले ना भूले लेकिन दोस्ताना निभाते हैं जी जान से। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के पक्के दोस्त हैं, इसलिए एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं है उनके खिलाफ, खामोश। क्या आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार हारें? अरे नहीं, ये सब उल्टी सुलटी बात क्यों करना। मैं तो पॉजिटिव, अभी मैंने कहा मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं तो अपने विरोधियों को, क्यों विरोधियों को कभी मैं दुश्मन नहीं मानता, मैं तो अपना विरोधी भी कोई मिल जाएगा तो मैं उसको गले लगाऊंगा। तो किसकी जीत चाहेंगे आप? अरे मैं किस पार्टी में हूँ, खामोश। इलेक्शन कमीशन ने इस बार अच्छे अच्छों को खामोश कर दिया है। चचा जहरीले उर्फ असदुद्दीन ओवैसी हरे हरे मुस्लिम वोटों की खातिर हैदराबाद से सीधे बिहार के सीमांचल चले आए, लेकिन कैंपेन में हर बार कुछ ना कुछ लफड़ा हो ही जा रहा है। पहले ओवैसी साहब के छोटे भाई जनाब अकबरुद्दीन पर भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम में FIR दर्ज हुई, उसके बाद आई बड़े मियां की बारी, इबादत की एक जगह पर भीड़ जुटाई तो सीधे उनके स्वागत के लिए पुलिस आई। बिहार में इसी को कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बारान। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और चाहने वाले पूछेंगे ओवैसी साहब क्या हासिल किया आपने बिहार के इंतखाबात से, ओवैसी साहब का जवाब होगा पूरे चार। भाई चार क्या, चार सीटें? जी नहीं, चार मुकदमे। ओवैसी साहब ये सब थाना पुलिस का चक्कर बहुत खराब है, जरा संभल के रहिएगा। अभी मेरे ब्रेक लेने का टाइम हो रहा है, लेकिन हम जाने से पहले अपने दर्शकों को एक ठो जोक सुना देना चाहता हूं। आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है इसका, सो प्लीज डोंट माइंड। सवाल, इंसान हवा के बिना जी नहीं सकता और लात के बिना चल नहीं सकता, फिर भी हवालात क्यों नहीं जाना चाहता? जवाब, क्योंकि हवालात में लात मार मार के हवा निकाल दी जाती है। वैसे ही जैसे नेता लोग एक राउंड खत्म होने के बाद खा पी के मजबूत होके दोबारा प्रचार के लिए आते हैं और विरोधी पर जोर शोर से हमला बोलते हैं। बहुत से नेताओं की छिपी हुई प्रतिभा सामने आ गई है बिहार के चुनाव में। कुछ नेताओं ने बताया कि मगही, मैथिली और भोजपुरी यानी बिहार की सभी भाषाओं में अपने विरोधियों को धारा प्रवाह गाली दे सकते हैं। कुछ नेताओं ने दिखाया कि उनके अंदर एक शायर छिपा है। मैं शायर तो नहीं मगर चुनाव, जब से देखा मैंने तुझको मुझको
शायरी आ गई। नेताओं की जिस छिपी हुई प्रतिभा ने मुझे सबसे ज्यादा चकराया वह है उनका ज्योतिष ज्ञान। प्रचार में उतरा हर दूसरा इंसान ज्योतिषी है और वो भी एकदम सटीक भविष्यवाणी वाला। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रकांड पंडित सबसे ज्यादा हैं एनडीए में। तो आइए सुनते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां। 8 तारीख को सुबह 8 बजे जनगणना मतगणना शुरू हो जाएगी। 11 बजते भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत आगे निकल जाएगा। 12 बजते भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का बहुमत हो जाएगा और 1 बजते 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार का विजय निश्चित हो जाएगा। और 2 बजे नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री आवास से अंतिम बार निकलकर मुख्यमंत्री की गाड़ी में अंतिम बार बैठकर राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा देने के लिए जाएंगे। ये कार्यक्रम तय 8 तारीख को दिन के 2 बजे माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी गाड़ी में बैठकर जाएंगे राजभवन, अपना इस्तीफा देंगे। अरे ये तो एकदम गजबे है, इतना कॉन्फिडेंस तो बेजान दारू वाला में भी नहीं है, कमाल है। वैसे लालू जी एंड कंपनी में भी ज्योतिषियों की कमी नहीं है, भविष्य बताने का इनका तरीका एकदम अलग और अनूठा है। भाजपा को लड्डू मिल रहा लड्डू खत्म होते होते जिलेबी बन जाएगा। बीजेपी के पास दर्जन भर से ज्यादा बम्बैया फिल्म स्टार थे, लेकिन अब तक प्रचार के असली सुपर स्टार रहे हैं मनोज तिवारी। 100 के करीब जनसभा कर चुके हैं मनोज तिवारी। अरे जिये हो बिहार के लाला, जिये हो तिवारी, पीठ हमारा खाली बा करबो सवारी। बिहार के ई फोकटिया चुनावी मनोरंजन का बस अब 2-4 दिन बचा है। कसम से दिल बहुत उदास है, इसी उदासी के साथ पेश करता हूँ एक ठो गाना। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो प्रचार बन के छाए हो, ड्रामा जरा ये चल तो ले, वोटर जरा बहल तो ले, चुनाव ढल तो ले जरा, चुनाव ढल तो ले जरा, ये दिल बहल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर देख तो लूं चुनाव के मजे ले तो लूं, चुनाव के मजे ले तो लूं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी तो कुछ देखा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। दिल अभी भरा नहीं, मन अभी भरा नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है ना, बहुत जोर से लगा है, जाना जरूरी है ना। सुनिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग, अभी 2-4 दिन तक और आऊंगा हम। क्या कहे, इसीलिए टेंशन में आ रहे हैं। देखिए जो का टाइम खत्म हुआ, आप फेसबुक या ट्विटर के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, आज तक की वेबसाइट पर जाके हमारे सभी पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, इजाजत है ना, नहीं भी दीजिएगा तो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। जय हिंद। कहानी खत्म बाबू, आपकी बारिश है।